खाद्य तेल की कीमतें गिर रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भविष्य में तेल की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। बीते कुछ महीनों से चल रहे रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से प्रभावित हुए खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट आने की वजह से नागरिकों को दिलासा मिला है। केंद्र सरकार ने 2 साल के लिए खाद्य तेल पर सीमा शुल्क हटा दिया है। सोयाबीन और पाम तेल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में 10 से 15% की गिरावट आई है, जिस वजह से नागरिकों को राहत मिली है। अब इंडोनेशिया से जो ड्यूटी कम की है गवर्नमेंट ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने, वो हिसाब से जो ना इफेक्ट आया है मार्केट में, और 10-15% कम हुआ है रेट, और भी थोड़ा आस्ते आस्ते रेट कम होगा। अभी पाम तेल का रेट था 2500 रुपया, आज है 2300 रुपया, और भी कम होने का चांसेस है। मलेशिया का भी प्रोडक्शन में, मलेशिया का सीज़न है, मलेशिया और इंडोनेशिया का, तो वहाँ पे अभी फुल क्रॉप का सीज़न है, तो वो हिसाब से माल का ज़्यादा ये है, तो वो प्रेशर है, वो हिसाब से उधर कम होगा, उधर कम होगा। अर्जेंटीना से आता है, रशिया से आता है, यूक्रेन से आता है, अभी आस्ते आस्ते कम हो गया है, वो फ़र्क अभी है नहीं इतना, क्योंकि अर्जेंटीना से माल फुल आ रहा है। रशिया से कम हो रहा है, यूक्रेन से तो बंद है, रशिया से अभी चालू हुआ है थोड़ा थोड़ा। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।